फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों के तेल को डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं इसमें डालूँगी ये कुछ अदरक लहसुन और एक लंबा कटा प्याज, टमाटर, और हमें ना इनको रफली चॉप कर लेना है। पहले ही मैंने पालक को बॉईल करके अच्छे से रख लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी हींग, ज़ीरा, और बहुत कम मसालों के साथ हम इस पालक पनीर की सब्ज़ी को बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपने आप में एक हेल्दी रेसिपी होती है, तो इसमें ना एक्स्ट्रा कोई भी मसाला ऐड करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक के टुकड़े और लहसुन और कटी प्याज, लंबी कटी है क्योंकि हमें बाद में ये ना पीसना ही है। साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी 7 से 8 हरी मिर्चें, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। एक टमाटर को काट के मैंने रफली चॉप काटा, मैंने उसको डाला है। इनको अच्छे से भूनने के बाद जब प्याज हमारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्का सा हमारा जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी चला जाए, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते फ्रेंड्स। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, और नमक के बाद मैं इसको हल्के से चलाऊंगी। टमाटर जब तक सॉफ्ट ना होंगे तब तक मैं वो जो पालक हमने बॉईल करके रखा था वो मैं एक मिक्सी जार में डालूंगी फिर। और ये जो मैंने मसाला तैयार किया है इसको भी मैं मिक्सी के साथ अपने पालक के साथ डालकर पीस लूँगी। फिर उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल लूँगी, थोड़ा सा धुआँ निकलने पर मैं उसमें डालूँगी ज़ीरा, और एक छोटा टेबल स्पून मैं उसमें डालूँगी बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे का भी यूज़ कर सकते हो। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है, बेसन डाला 1 चम्मच। अगर बेसन नहीं है तो आप इसमें ना आटा भी यूज़ कर सकते हो, या मक्का का आटा, गेहूं का आटा, कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको जलाना नहीं है, कम आँच पर 2 सेकेंड के लिए भूनना है, और साथ में हमें अपनी वो प्यूरी डाल देनी है जो हमने पीसी थी। मैं क्लिप लगाना भूल गई फ्रेंड्स, मैंने इस पालक प्यूरी में 2 टुकड़े पनीर के भी पीसे थे ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आए। अब थोड़ा सा पानी कंघाल के ना मैं उसमें जार में वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। अब अच्छे से ना कम आंच पर हम इसको अच्छे से भूनेंगे हमारे पालक पनीर का ना। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक हमारे पालक पनीर का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क ना हो जाए। अभी आपको ये ऐसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा ये, और हमें ना क्या करना है सबसे मेन बात फ्रेंड्स, ये ना बड़ा जब ये पकता है तो छींटे बड़ा डालते हैं ये। फिर मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी, कुटी लाल मिर्च और धनिया कुटा, ये मैं घर में पीसती हूँ। बहुत थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाली है, आप चाहो तो हल्दी ना भी डालो क्योंकि कलर तो हरा ही रहना है इसका। तो अब इन मसालों को ना मैं अच्छे से डाल दूँगी, और अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हो। मेरे को नमक सफिशिएंट क्योंकि मैंने बॉईल करते टाइम भी पालक को उसमें नमक डाली थी। और अब मैं इसको कम से कम 15 मिनट तक ढककर और कम आंच पर पकाऊंगी क्योंकि ये ना बहुत छींटे फेंकता है और हाथ पैर जलने का भी डर रहता है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से आप इस सब्ज़ी को बनाइएगा। उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा ये थोड़ा पक रही है थोड़ी गाढ़ी, मैं उसमें डालूंगी 1 ग्लास वाटर। थोड़ा सा वार्म वाटर है ये, कच्चा पानी, ठंडा पानी नहीं है ये, हल्का सा गर्म पानी मैं इसमें डाल के इसको पकाऊंगी। और थोड़ा सा ना इसमें नमक भी ऐड करूंगी क्योंकि पानी डालने पर ना थोड़ा सा नमक जो है वो कम हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा भी डाला है नमक। और फिर से मैं इसको वापस से ढक दूँगी, फिर मैं इसमें डालूँगी जो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला और 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ, देसी घी, और जो कि हमारी रेसिपी को ना बहुत अच्छा टेस्ट पहुँचाता है ये, और ऑलमोस्ट मैं हर सब्ज़ी में 1 चम्मच देसी घी यूज़ करती ही हूँ, टेस्ट भी अच्छा आता है उससे, थोड़ा ठीक भी होता है। अब उसको अच्छे से मैं चला दूँगी, थोड़ा सा और 5 से 7 मिनट मैं इसको भूनूँगी। और ये मंदी मंदी आँच पर ही आपको लो फ्लेम पर एकदम भूनना है क्योंकि इसमें कैसा वो छींटे पड़ते हैं ना तो हाथ पैर जलने का डर रहता है। फिर मैं इसमें अपने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली मैंने, साथ के साथ मैं इसमें डाल दूँगी पनीर के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे, आप फ्राई करके भी डाल सकते हो। फिर मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर डालूँगी, साथ में मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी मलाई, मलाई नहीं है तो आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
अब मैं इसमें दे दूँगी एक फाइनल तड़का। इसमें मैं एक छोटा फ्राई पैन लूँगी, उसमें एक चम्मच देसी घी, साथ में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हींग और जीरा। पैन ही नहीं रुक रहा था गैस के ऊपर। और ये देखिए इसमें मैंने डाला जीरा बहुत थोड़ा सा। घी को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि घी स्मेल नहीं करता। फिर मैं इसमें डालूँगी हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद तड़का हो गया है रेडी। अब इस तड़के को गैस को कर देंगे बंद और इस तड़के को हम डालेंगे अपने पालक पनीर में और फिर एक बार हम इसको अच्छे से ना चला देंगे। ये देखिए थोड़ा अच्छे से हम इसको चलाएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा एक ये देखिए और अब हमारा पालक पनीर बनकर हो गया है रेडी। एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।